हाय दोस्तों, आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग फ्लिपकार्ट से किसी को गिफ्ट कैसे सेंड कर सकते हैं, मतलब कि आप लोग अपने फ्लिपकार्ट के अकाउंट से किसी दूसरे के लिए ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था जिस पर कि काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है कि भाई हमें अच्छी तरीके से नहीं समझ में आया कि क्या करना है कैसे करना है। तो मैंने सोचा कि एक और वीडियो बना दिया जाए जिस पे कि पूरा एकदम अच्छे से बताया जाए आप लोग को कि आप लोग को कैसे किसी दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट सेंड करना है। ठीक है, तो गैस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप लोग को पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो गैस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग को अपना फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग को अपना प्रोडक्ट सर्च कर लेना है। आप लोग जो भी प्रोडक्ट किसी को सेंड करना चाहते हैं यानी कि गिफ्ट भेजना चाहते हैं, आप लोग उस प्रोडक्ट को यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक हेडफोन को ले लेता हूँ। तो मान लीजिए मुझे यह वाला हेडफोन जो है मुझे किसी को भेजना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। आप लोग का जो भी प्रोडक्ट हो आप लोग भी अपना प्रोडक्ट इस तरीके से ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों फिर आप लोग को यहाँ पर बाय नाउ ऑप्शन पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद फिर आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है, अभी के टाइम पर जो आप लोग का फ्लिपकार्ट के अकाउंट में आपका जो एड्रेस होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो करने लगेगा। तो अभी आप लोग को जब आप लोग किसी को गिफ्ट सेंड करना चाहते हैं तो आप लोग को उसका एड्रेस यहाँ पर डालना पड़ेगा। आप लोग को उसका एड्रेस डालने के लिए यहाँ पर चेंज वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, फिर आप लोग को इस पर क्लिक करना है। उस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो फिर आप लोग को यहाँ पर दिखाई देगा आपका एड्रेस एडिट करने के लिए और यहाँ पर एड ए न्यू एड्रेस के लिए। ठीक है, तो आप लोग को एड ए न्यू एड्रेस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो फिर आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग को पूरा डिटेल दे देना है एड्रेस के बारे में। यहाँ पर आप लोग को नाम डालना है, यहाँ पर उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर डालना है जिस भी व्यक्ति को आप लोग गिफ्ट या फिर प्रोडक्ट सेंड करना चाहते हैं उसका नंबर बिल्कुल सही तरीके से डालिएगा, उसका नंबर एकदम सही सही होना चाहिए। और उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पर पिन कोड डाल देना है, उसका स्टेट यहाँ पर डाल देना है, सिटी डाल देना है, हाउस नंबर, बिल्डिंग नेम, रोड नेम, एरिया, कॉलोनी, ये सब यहाँ पर डाल दीजिएगा। और उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पर एड्रेस टाइप सेलेक्ट कर लेना है, मतलब कि आप लोग जो एड्रेस में उनका डाले हैं वह वर्क वाला एड्रेस है या फिर होम वाला एड्रेस है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद फिर सब कुछ एड्रेस में डालने के बाद एक बार चेक कर लीजिएगा, सब कुछ एकदम श्योर होगा। उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पर सेव एड्रेस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, सेव पर क्लिक करने के बाद फिर आप लोग को यहाँ पर दो दो एड्रेस दिखाई देने लगेंगे, एक आपका एड्रेस होगा और एक अगला व्यक्ति का एड्रेस होगा जो कि आपने अभी अभी उसका एड्रेस ऐड किया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोग को उसका एड्रेस नहीं याद होगा तो आप लोग उससे एक बार पूछ लीजिएगा कि हाँ दोस्त आपका एड्रेस आप मुझे बता दो, मैं यहाँ पर आपका एड्रेस डालना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोग अपने मन से कोई एड्रेस मत डालिएगा, उसका जो एड्रेस रहेगा वही एड्रेस डालिएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पर इस वाले एड्रेस पर सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीवर हियर पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि डिलीवर टू आपने जिस एड्रेस पर यहाँ पर सेलेक्ट किया होगा उसी का एड्रेस यहाँ पर शो करेगा। तो आप लोग जिस भी एड्रेस पर प्रोडक्ट सेंड करेंगे उसका एड्रेस जो है यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आप लोग को कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर पेमेंट मेथड के लिए बोला जाएगा कि आप लोग जो है अपने प्रोडक्ट का पेमेंट किस तरीके से करना चाहेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से चाहें तो UPI से भी कर सकते हैं, वॉलेट से भी कर सकते हैं, और क्रेडिट डेबिट ATM कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं, और कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग यदि कैश ऑन डिलीवरी भी किसी को भेजना चाहेंगे तो ये भी जो है इस प्रोडक्ट पर जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए कैश ऑन डिलीवरी हर एक प्रोडक्ट पर नहीं होता है, जो हाई लेवल के प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर जो है कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता है। तो आप लोग अपने प्रोडक्ट के हिसाब से देख लीजिएगा, यदि आप लोग के प्रोडक्ट पर यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन नहीं शो करता है तो आप लोग समझ जाइए कि यह जो प्रोडक्ट है वो हाई लेवल का है और उसको कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करने के लिए आप लोग को कुछ पैसे जो है पहले ही पे करना पड़ेगा। ठीक है,
तो यदि आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो कोई बात ही नहीं है, और आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करके भी किसी को प्रोडक्ट भेज सकते हैं। और वैसे आप लोग किसी को गिफ्ट के तौर पर भेजना चाहते हैं तो आप लोग को ऑनलाइन पेमेंट करके ही किसी को भेजना चाहिए, क्योंकि आप लोग कैश ऑन डिलीवरी भेज देंगे तो उसे ही पैसा देना पड़ेगा। और आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आप लोग को जिस भी तरीके से पेमेंट करना रहे आप लोग उस तरीके से पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करना है। प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद फिर आप लोग को यहाँ पर यह वाला जो कैप्चा कोड है इसी को यहाँ से डाल देना है। तो चलिए हम लोग डालते हैं यहाँ पर। इसको डालने के बाद फिर आप लोग को यहाँ पर कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अभी देखिए जो हमारा ऑर्डर है वो सक्सेसफुली हो चुका है। और उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पर कट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो कट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर आप लोग माई ऑर्डर वाले सेक्शन पर पहुँच जाएंगे, और उसके बाद फिर आप लोग को अपने प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। अपने प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद फिर आप लोग यहाँ से इसके बारे में देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितने तारीख को ऑर्डर किया गया और यह जो है डिलीवर कितने दिनों में होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 15 तारीख को ऑर्डर किए हैं और हमारा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर 20 तारीख को डिलीवर होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग बीच बीच में यह भी चेक कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ पर पहुँचा। तो आप लोग इस तरीके से फ्लिपकार्ट के ज़रिए किसी और के लिए भी सामान भेज सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो दोस्तों यदि आप लोग का कोई भी डाउट होगा तो आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और यदि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इस तरह की टेक्निकल वीडियोज़ आप लोग के लिए लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।